तो हमने अभी तक पढ़ा हाउ अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स. फॉर एग्जाम्पल H2 एंड I2 आर रिएक्टिंग टूगेदर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ HI. केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं. सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है केमिकल रिएक्शन कैसे होती है. जैसे H2 और I2 रिएक्टेंट है, इनके पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं. ये मैंने पुराने बॉन्ड बनाए. यू कैन सी ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग अप एंड द न्यू बॉन्ड्स बिटवीन H एंड I विल फॉर्म. बिटवीन H एंड I विल फॉर्म. सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर कर रहे हैं हम. ध्यान से देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन की बेसिक कड़ी है ये. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. आगे देखते हैं. तो हम यहां देखना चाहते हैं कि बॉन्ड का फिजन कैसे होता है. बॉन्ड फिजन में टेक्स प्लेस इन टू वेज, होमोलाइटिकली एंड हेट्रोलाइटिकली. होमोलाइटिक कब होगा? व्हेन द रिएक्टेंट्स आर नॉन पोलर. नॉन पोलर का मतलब दो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड है. जैसे मैंने एग्जांपल लिया है H2 और I2. क्योंकि एटम सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिमिलर होगी, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा. डाइपोल मोमेंट विल ऑल्सो बी जीरो बिकॉज एटम्स आर सिमिलर, सो नो वेक्टर कैन डेवलप. Now, we all know very well, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. किसी रिएक्शन में जब H2 और I2 ब्रेकअप होंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि इक्वल फ्यूजन हो, यानी कि डॉट वाला इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले आयोडीन के साथ रह जाए और क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन राइट वाले आयोडीन के साथ. एज ए रिजल्ट दो I फ्री रेडिकल बनेंगे. फ्री रेडिकल का सिंपल मीनिंग है दोनों आयोडीन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. व्हेनेवर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट विद ए स्पीशी, वेदर एन एटम और अ मॉलिक्यूल, दैट मीन द ग्रुप ऑफ एटम्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल. नाउ वी विल सी कि कब एक्सपेक्टेड कर सकते हैं हम, कब एक्सपेक्ट करें कि हेट्रोलाइटिक फिजन होगा. फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर टेकिंग CH3Cl. यू कैन सी दिस CCl बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड. Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो नेचुरली Cl विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन. अभी अभी हमने डिस्कस किया हर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेजेंट. एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन है Cl का. Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन के डॉट वाले इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा और फ्यूजन विल बी लाइक दिस. कार्बन का इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला गया, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, Cl विल हैव नेगेटिव चार्ज व्हाइल CH3+ विल फॉर्म. इन हेट्रोलाइटिक फिजन कैटायन एंड एनायन विल फॉर्म. तो हेट्रोलाइटिक फिजन में पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज बन रही है, व्हाइल इन होमोलाइटिक फिजन फ्री रेडिकल्स विल फॉर्म. ये नॉन पोलर में एक्सपेक्टेड है, दिस इज एक्सपेक्टेड इन पोलर. इट इज एक्सपेक्टेड इन पोलर स्पीशीज, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जीरो ना हो. डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो.
कोई ना कोई वैल्यू डायपोल मोमेंट की जरूर हो। वैसे तो हम रिएक्शन को खुद कंट्रोल करते हैं, इन एनी डायरेक्शन वी कैन मूव द रिएक्शन, बट दीज आर यूजुअली एक्सपेक्टेड फिजन्स। हम आगे देखेंगे कि आई टू में एक्सपेक्टेड है कि होमोलैटिक फिजन हो, बट हम चाहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयोडीन बने। वी कैन कंट्रोल द रिएक्शन, नो प्रॉब्लम। एक्सपेक्टेड है CH3Cl में हेट्रोलाइटिक फिजन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज बननी चाहिए, लेकिन कहीं हमारी रिक्वायरमेंट है कि फ्री रेडिकल्स बने। यस वी कैन कन्वर्ट दिस हेट्रोलाइटिक फिजन इन CH3Cl, वी कैन कन्वर्ट इट इंटू होमोलाइटिक एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। बट इनिशियली यू मस्ट अंडरस्टैंड कि होमोलाइटिक कब होगा और हेट्रोलाइटिक कब होगा। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पॉजिटिव स्पीशीज हैं उनको क्या कहा जाता है? तो यहां पर एक टर्म है इलेक्ट्रोफाइल्स। अगर हम इसको एब्रिवेट करें, ब्रेकअप करके देखें, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लवर्स, फाइल मींस अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, वी ऑल नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज से जो लव करे, नेगेटिव चार्ज से जो अट्रैक्ट हो, वो इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो नेगेटिव चार्ज से कौन सी स्पीशीज अट्रैक्ट होंगी? नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगी ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। जितनी भी पॉजिटिव स्पीशीज होंगी वो सब नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगी और उन पॉजिटिव स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H प्लस, NO2 प्लस, सारे कार्बोकेटायंस, ऑल कार्बोकेटायंस, मेटल आयंस ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो पॉजिटिव। किसी रिएक्शन में ये फॉर्म हुए, कहां जाके ऐड होंगे? जहां दूसरे रिएक्टेंट में नेगेटिव चार्ज होगा। एक स्पीशी NO2 प्लस है, दूसरे रिएक्टेंट में कहां ऐड होना चाहिए उसको? उस रिएक्टेंट में जहां नेगेटिव चार्ज होगा वहां उसको ऐड होना है। तो जितनी भी पॉजिटिव स्पीशीज है हम सब उनको इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और क्या हो सकते हैं? क्या अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे क्या? होंगे। हम कहते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। भाई पॉजिटिव चार्ज क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉन की कमी को। तो अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं भी दिख रहा हो और लेस देन एक इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल AlCl3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्या माना जाए? इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? तो स्ट्रक्चर बना के देखें जरा, नहीं भी बनाएंगे तो भी पता कर सकते हैं। दिस इज AlCl3। हियर यू विल सी इन अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सो 2 2 + 4 + 2 = 6। दिस Al इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन।
So AlCl3 will also called electrophiles. BeCl2 का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. सेंटर एटम इज बी, बी ने दो बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम के पास हुए 4 इलेक्ट्रॉन. दैट इज ऑल्सो विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल. तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल. अगर आपको याद हो तो हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में इनको कुछ नाम दिया था. एक साइंटिस्ट के नाम पर हमने नाम दिया था इनको, कहते हैं लुईस एसिड्स. ऑल दे आर कंबाइंडली कॉल्ड लुईस एसिड्स. लुईस एसिड आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. दे वॉन्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू गेट द स्टेबिलिटी. पॉजिटिव वाला भी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, एएल और बेरिलियम भी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो सके. और किस तरह के इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं? इफ सेंटर एटम हैव पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो और सेंटर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वो भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वी हैव डिस्कस्ड इन इक्विलिब्रियम चैप्टर ऑल्सो. यू कैन सी द वीडियो, आई हैव अपलोडेड द वीडियो ऑफ इक्विलिब्रियम. तो यहां CO2 में आप देखें, कार्बन इज डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो व्हाट विल हैपन, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन. कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा. इसको मैं क्रॉस से शो कर देता हूं, कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को. एज ए रिजल्ट यू विल सी दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विल राइज. ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव एंड कार्बन विल बी पॉजिटिव. कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. यू कैन सी ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड द सेंटर एटम इज एक्वायरिंग द पॉजिटिव चार्ज. दैट्स व्हाई CO2 बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल. वन अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल आई यू कैन टेक, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3. पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई एंड एज ए रिजल्ट द सल्फर विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. सो SO3 इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल. हालांकि न तो पॉजिटिव चार्ज है इन दोनों पर, न ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. आप देख सकते हैं यहां पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा है. 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ऑन कार्बन, जबकि सल्फर पे तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो रहा है. 6 बॉन्ड्स आर देयर विद सल्फर. तो 6 के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स. इवन देन द SO3 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. पॉजिटिव चार्ज आ जाए ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल. यस, और क्या हो सकते हैं? क्या और भी इलेक्ट्रोफाइल का टाइप हो सकता है? भाई लुईस एसिड जितने टाइप से डिफाइन हो सकते हैं, ऑल दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स. तो यहां मैं कह सकता हूं देयर मे बी वन मोर टाइप आई कैन एड ओवर हियर. वन इज वेकेंट डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट. अगर सेंटर एटम पर वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, दैट विल कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल. जैसे फॉर एग्जाम्पल
In PCl5 you can see phosphorus have vacant orbital, SF6 is there, that is also, sulfur is also having the vacant d orbital. Vacant d agar orbital hai aur koi dusri species ke saath aati hai, then vacant orbital can accept the electron. अभी मैंने कहा लुईस एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. सो ड्यू टू वेकेंट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल द सेंटर एटम कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. सो वेन एवर द नेगेटिव आयंस आर फॉर्म इन द रिएक्शन वी विल कॉल देम न्यूक्लियोफाइल्स. We will call them nucleophile. अगर इसको हम ब्रेक करके देखें तो न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस से जो अट्रैक्ट हो, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, एक रिएक्टेंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो कौन सी स्पीशीज उससे अट्रैक्ट होगी? तो जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज विल अट्रैक्ट ओवर द पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज, एंड दे विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स. जैसे Cl- OH- CS3-. There are a lot of negative species can form in the reaction and all they will call nucleophiles. और क्या दूसरा टाइप भी हो सकता है इनको पहचानने का? Yes, there may be. क्या टाइप पॉसिबल है? तो पॉसिबल टाइप है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉन का रिच का मतलब presence of lone pair. When the lone pair is present on center atom, they will call nucleophiles. उसको हम nucleophile कहेंगे. जैसे for example ammonia में nitrogen के पास एक lone pair है, तो ammonia को हम nucleophile कहते हैं. इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं लेना है, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंटर एटम. जैसे ईथर, ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर, हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ा. जैसे फॉर एग्जांपल अमाइंस RNH2, R इज अल्काइल ग्रुप, एल्कोहल ROH, मीथेनॉल इथेनॉल जितने भी हैं वो सब भी क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स. तो आपने ये वीडियो देखी, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने चर्चा की. इसके बाद हम इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन के बारे में पढ़ेंगे. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भूलिएगा मत, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को. इंटरमीडिएट्स की स्टडी देखेंगे हम. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का जो चैप्टर है उसमें कुछ ऑर्गेनिक इफेक्ट्स लगा करते हैं कि बहुत सारी रिएक्शंस में, उन इफेक्ट्स के बारे में हमको पढ़ना चाहिए, बड़े काम के हैं. और ऑर्गेनिक रिएक्शंस किस तरह से हो सकती है वो इफेक्ट्स हमको बड़ी हेल्प करते हैं. वी विल स्टार्ट द सम इफेक्ट्स. नाम आपके लिए नए नए होंगे बट आफ्टर सम टाइम वी बिकम्स यूज्ड टू, यू नो, इनिशियली इट लुक्स न्यू बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विल कनेक्ट विद इट, नेचुरली वो आपको थोड़ा इजी लगने लगेगा. सबसे पहले हम इफेक्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे डिफाइन किया जाए? तो हम कैसे डिफाइन करें? व्हेन शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक स्पेस, अगर किसी रिएक्शन में, किसी रिएक्टेंट में, रिएक्शन के रिएक्टेंट में अगर पाई इलेक्ट्रॉन है, भी है तभी शिफ्ट होगा, और वो शिफ्ट हो सकता हो तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है। रेजोनेंस में भी पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी शिफ्ट होता है, तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में केवल एक बार पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ओनली वंस, बट इन रेजोनेंस मोर देन टू टाइम्स इट विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द रेजोनेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड केवल एक बार शिफ्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लेते मुझे एक रिएक्शन दे दी गई, रिएक्शन इज लाइक दिस, दिस रिएक्शन इज गिवन टू मी, और मुझे कहा गया बताइए क्या प्रोडक्ट होगा, आप या मैं एक ही बात है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मुझे पता करना है। अब मैंने तो ये रिएक्शन कभी देखी नहीं, आपने भी नहीं देखी, देन हाउ वी कैन यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट? भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़े? बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल। इन व्हाट वे इट विल बी हेल्पफुल? इन फाइंडिंग द प्रोडक्ट इन डिफरेंट रिएक्शंस। बहुत सारे रिएक्शंस में प्रोडक्ट को फाइंड आउट, एक तो याद करें, हम याद ही करते चले, और एक ऐसा करें कि इफेक्ट को समझ लें, उसको अप्लाई करना सीख लें, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। सो हियर टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, आप देखेंगे रिएक्टेंट में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, दिस इज द कार्बन कंपाउंड, दिस इज द मेन कंपाउंड जिसकी रिएक्शन हमको HCl से करनी है, एल्डिहाइड इज देयर। सो अगर हम ध्यान से देखें, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन कार्बन, सो व्हाट विल हैपन? द पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन। भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड पेयर को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, एज अ रिजल्ट द सिचुएशन विल राइज अप लाइक दिस, ऑक्सीजन विल हैव नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल हैव पॉजिटिव चार्ज। दिस मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दिस मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जब हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पता कर लिए, HCl पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमने पता किया, H प्लस और CN माइनस होगा, अब मैं बड़े आराम से पता कर सकता हूं H प्लस कहां जाएगा और CN माइनस कहां जाएगा। तो H प्लस नेचुरली विल मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन माइनस एंड CN माइनस विल मूव टुवर्ड्स कार्बन प्लस, एंड आई कैन फाउंड द प्रोडक्ट नाउ, CH3 CH OH एंड CN, दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म। देखो हमने ये रिएक्शन कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमको आता था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मीनिंग हमको आता था, बेसिक हमारे क्लियर थे, हमने बड़े आराम से चार्जेस डेवलप किए और अपोजिट चार्जेस को ऐड कर दिया, पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया और कार्बन पर पॉजिटिव, HCl में भी चार्ज डेवलप किया हमने, H प्लस एंड CN माइनस,
अपोजिट चार्जेस पर भेज दिया, H प्लस को O माइनस पर और CN माइनस को कार्बन पर. एज ए रिजल्ट द कंपाउंड इज फॉर्म्ड. वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द सेम टाइप. जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इज रिएक्टिंग विद HCl. प्रोपीन इज रिएक्टिंग विद HCl. अब हमसे कहा गया फाइंड द प्रोडक्ट, देन वी विल बी कंफ्यूज्ड. क्यों? यहां पर अगर आप देखें HCl एक पोलर कंपाउंड है, H यहां पॉजिटिव होगा और Cl यहां नेगेटिव. अब हमारे सामने प्रॉब्लम यह है H प्लस को CH2 पे ऐड करें या CH पे ऐड करें, Cl माइनस को CH2 पर ऐड करें या CH पर ऐड करें. देर इज स्लाइट कंफ्यूजन. इन दिस केस ऑल्सो द इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट विल हेल्प अस. इन व्हाट वे इट विल इफेक्ट है, कल हमने ध्यान से आपको पढ़ा था CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं. CH3 ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. माइंड इट, डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड. डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है. CH3 जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पुश फील करेगा. CH3 के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड वाले पाई इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, नेचुरली ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे. CH3 ने धक्का दिया और पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो गया. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन विल चेंज लाइक दिस. CH2 विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहलाई इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट. इधर ही क्यों शिफ्ट हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है. जब CH3 लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन देगा नेचुरली पाई बॉन्ड CH2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. CH2 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और CH पर पॉजिटिव. अब हम बड़े आराम से H प्लस को भेज देंगे नेगेटिव कार्बन पर, Cl माइनस को भेज देंगे पॉजिटिव कार्बन पर और प्रोडक्ट का पता कर लेंगे. प्रोडक्ट बना 2-chloro-propane. इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हर जगह नहीं लगेगा. कब लगेगा? जब रिएक्टेंट में पाई बॉन्ड की प्रेजेंस हो. अगर यहां प्रोपेन होता तो नहीं लगता, प्रोपीन में लगेगा, प्रोपाइन में लगेगा. तो यहां पर हमको प्रोडक्ट पहचानने में, प्रोडक्ट बनाने में बड़ी आसानी हुई क्योंकि हमको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का अंदाजा था कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, CH3 इलेक्ट्रॉन देगा जो कार्बोएनायन में देता है. कार्बोएनायन पढ़े थे हमने, कार्बन आयन, कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल में भी हमने देखा, कार्ब एनायन में भी हमने देखा. जितने भी अल्काइल ग्रुप है सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करें, हम बात करें अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की, तो हमने पढ़ा था जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. दिस मे बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. यहां मैंने सिंप्लिसिटी के लिए प्रोपाइल इथाइल और मिथाइल को कंपेयर किया है. H का अपना कोई नेचर नहीं है, H में तो इलेक्ट्रॉन देता है और न लेता है. ऐसे ही
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें, कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहलाएंगे? तो NO2, F, Cl, Br, I, H और भी हैं, पर हमारे लिए ये काफी है। हम सारी रिएक्शंस को इनकी हेल्प से समझ सकते हैं। अब सवाल ये है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किसको हो रहा है? तो ये सारे ग्रुप फंक्शन ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब CS3 ने फंक्शन ग्रुप को इलेक्ट्रॉन दिया, तो जब कोई ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप फंक्शन ग्रुप को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और कोई ग्रुप जब फंक्शन ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो दो तरह के ग्रुप हुए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसके आगे वाली वीडियोस में हम और दूसरे इफेक्ट्स भी देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, देखते रहिए मेरा चैनल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर किया, अब हम कुछ इफेक्ट्स की चर्चा करेंगे, इफेक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइपर कंजुगेशन, जिसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इससे पहले मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। आई विल से जब भी कोई रिएक्शन होती है, व्हेन एवर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो हमने पहले भी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन किया। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। यू मस्ट नोट, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट के नए बॉन्ड बनेंगे। रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट के नए बॉन्ड बनेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक अनस्टेबल स्पीशी बनती है जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। वी कॉल देम इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स की वैसे तो स्टेबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी अगर इंटरमीडिएट्स में ही हम कंपैरिजन करें तो उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। इंटरमीडिएट्स में ही कंपैरिजन करें तो उन इंटरमीडिएट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कार्बोकैटायंस की बात करेंगे। कार्बोकैटायंस और कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायंस और कार्बोनियम आयन। तो यहां पर मैं कार्बोकैटायंस बनाता हूं। द सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन इज मिथाइल कार्बोकैटायन। दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन CS3+। प्लस पॉजिटिव स्पीशी है तो कैटायन बोला जाएगा, और अगर IUPAC के हिसाब से बोले तो EM सफिक्स आएगा। हर पॉजिटिव आयन में EM सफिक्स आता है। आप बोल के देख लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑल दे फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो कार्बोनियम आयन, दिस इज CH3CH2+। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री क्यों? जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है उससे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, दैट्स व्हाई 1 डिग्री। अगर पॉजिटिव कार्बन पर दो कार्बन एक साथ जुड़े हों देन इट विल बी कॉल्ड 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और अगर पॉजिटिव कार्बन पर
तीन कार्बन डायरेक्टली जुड़े हो देन इट विल बी 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां हम चारों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल सी द अदर कार्बोकैटायन ऑल्सो। इसकी स्टेबिलिटी हम एक फिनोमिना से देखते हैं दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। द अनदर नेम ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। जैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमने रेजोनेंस देखा, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस, यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। माइंडेड, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, स्टेबल नहीं होते, एक जगह नहीं होते। हम यहां पर इसको नाम दे रहे हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब बॉन्ड नहीं बन रहा होगा और शिफ्टिंग हो रही होगी सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही होगी और बिना बॉन्ड के रेजोनेंस हो रहा होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रियल रेजोनेंस एंड द नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, इन रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, जबकि नो बॉन्ड रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। हमने केमिकल बॉन्डिंग में जो देखा वहां पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही थी, दैट इज ट्रू रेजोनेंस, जबकि यहां पर सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, इट इज हैविंग द सेपरेट नेम नो बॉन्ड रेजोनेंस। टू अंडरस्टैंड दिस हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन को हम कुछ यू लिख लेते हैं। हमने लिखा यू, इन दिस वे वी आर राइटिंग। मैंने कुछ नहीं किया खास, केवल इस CH3 को ओपन करके लिख दिया है, इस CH3 को ओपन करके लिखा। नाउ इफ यू विल कैलकुलेट हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर ऑन द सेंटर कार्बन, सेंटर कार्बन पर कितने कार्बन होंगे, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया एवरी बॉन्ड हैव 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 2, 4 और 2, 6। दिस कार्बन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इट विल बी अनस्टेबल। हम सब जानते हैं ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट फॉर द स्टेबिलिटी। टू गेट द स्टेबिलिटी दिस कार्बन विल हैव दिस सिग्मा बॉन्ड। इस सिग्मा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे टू गिव द स्टेबिलिटी ऑफ द सेंटर कार्बन। सो द स्ट्रक्चर विल चेंज लाइक दिस। नाउ यू विल सी इस हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सो दिस विल हैव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर अब आप इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे देन इट विल हैव नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर हाइड्रोजन का तो डुप्लेट खत्म हो गया, तो हाइड्रोजन H+ नाराज हो जाएगा। वो कहेगा मैं स्टेबल था, मेरे को अनस्टेबल कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट यू विल सी जो पहले वाला पॉजिटिव H था वो स्टेबल हुआ, लेकिन ऊपर वाला H अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पहले ये अनस्टेबल था, अब ऊपर वाला अनस्टेबल हो गया। देखो डिलोकलाइजेशन हो रहा है, बॉन्ड्स शिफ्ट हो रहे हैं, वन प्लेस टू दूसरी प्लेस जा रहे हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं माइंडेड, जबकि ट्रू रेजोनेंस में
पे पाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब ये एच प्लस अनस्टेबल है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट नाउ द स्ट्रक्चर विल चेंज लाइक दिस। नाउ द लेफ्ट हाइड्रोजन विल हैव पॉजिटिव चार्ज बट द सेंटर कार्बन इज स्टिल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। देन आफ्टर वंस अगेन द रोटेशन विल टेक्स प्लेस, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, पहले वाली फॉर्म में स्ट्रक्चर आ जाएगा। देन आफ्टर दिस CH3 विल टेक पार्ट, देन दिस CH3 विल टेक पार्ट। तो अगर आप टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन में 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। देयर विल बी 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री कार्बोकेटायन में चूंकि 2 ही CH3 है इसलिए वहां 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। 1 डिग्री कार्बोकेटायन में 1 ही CH3 है सो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। देन आफ्टर द लीस्ट विल बी मिथाइल विल हैव 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दिस वे वी कैन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री विल बी मोस्ट स्टेबल, देन आफ्टर 3 डिग्री, इन दिस वे वी कैन डिसाइड। तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल कार्बोकेटायन। देयर विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लाइक दिस। यानी कि किसी एक रिएक्शन में, ध्यान से सुनेंगे, किसी एक रिएक्शन में अगर ये चारों कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी हो एज अ इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन का पाथ किसको अडॉप्ट करना चाहेगा। नेचुरली वो जो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ज्यादा प्रोडक्ट किसका बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री एंड इन कंपैरिजन टू मिथाइल। मैं रिपीट करता हूं, कोई रिएक्शन हो रही है, चारों कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, चारों प्रोडक्ट बनाएंगे, बताओ सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसका बनेगा। तो हम कह सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनाएगा, सबसे ज्यादा अमाउंट में बनाएगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ओके, सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम यहां रियल रेजोनेंस यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जिनमें होता है उन मॉलिक्यूल्स को भी अगर ऐड कर लें, देन वंस अगेन वी कैन कंपेयर द स्टेबिलिटी। हियर आई एम टेकिंग द कार्बोकेटायन, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन। वन अनदर कार्बोकेटायन वी कैन हैव डायफिनाइल कार्बोकेटायन। आप देख रहे होंगे बेंजीन रिंग है यहां, और बेंजीन रिंग है तो पाई बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब यहां पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, रियल रेजोनेंस करेंगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करेंगे। ऐसे ही एक और कार्बोकेटायन मैं ले सकता हूं, दैट इज ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। बेंजाइल, डायफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। अगर आप इन तीनों की स्टेबिलिटी देखें
तो नेचुरली इन तीनों की स्टेबिलिटी इन ओपन चेन कार्बोकैटायन से तो ज्यादा होगी ही होगी। द रीजन बिहाइंड, यहां सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होता है, यहां हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, जबकि यहां पर ट्रू रेजोनेंस होगा। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगा। तो यहां पर आप देखेंगे टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, 3, 6 और 3, 9। यहां 9 पाई बॉन्ड्स हैं, यहां 6 और यहां 3। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा रेजोनेंस होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हम कह सकते हैं बेंजाइल होगा, बेंजाइल से ज्यादा डायफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन ये वाला, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। इन दिस वे वी कैन चेक द स्टेबिलिटी फॉर अ रिएक्शन इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन इंटरमीडिएट। दिस इज अ बेनिफिट। भाई हम क्वेश्चन तो आ सकता है हमारे दिमाग में कि क्यों पढ़ा जाए, स्टेबिलिटी क्यों पढ़ी जाए। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक रिएक्शन हो रही है, तीनों कार्बोकैटायन बन रहे हैं कम या ज्यादा, नेचुरली ये सबसे ज्यादा स्टेबल है इन तीनों में, तो ये सबसे ज्यादा देर तक रिएक्शन में रहेगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, नाउ वी विल सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स। कार्बन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आगे आने वाली वीडियो जरूर देखिए। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कार्बन फ्री रेडिकल्स। तो क्वेश्चन ये आता है, फ्री रेडिकल वर्ड क्या है, व्हाट इज फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या होता है। तो फ्री रेडिकल का सिंपल मीनिंग है, अगर कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, कहीं पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, कहेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल और ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल। जैसे प्लस था वैसे अब यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हमने कंपैरिजन करने के लिए स्टेबिलिटी का 3 डिग्री को सेलेक्ट किया, 3 डिग्री में हम हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। अगर आप इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कंपेयर करें तो यहां आप 7 इलेक्ट्रॉन है, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 यहां और 2 यहां, 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। यानी कि स्टेबिलिटी के लिए अब इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, सी दिस बॉन्ड, एवरी बॉन्ड हैव 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास रह जाएगा और कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन के साथ बना लेगा बॉन्ड। जैसे ये बना बॉन्ड और हाइड्रोजन के पास रह गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एच फ्री रेडिकल इज फॉर्म, एच फ्री रेडिकल इज फॉर्म, अनस्टेबल हो गया ये एच फ्री रेडिकल। टू गिव द स्टेबिलिटी कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस एच फ्री रेडिकल को दे देगा, तो यहां बन जाएगा बॉन्ड और हाइड्रोजन के पास रह जाएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये एच फ्री रेडिकल अनस्टेबल हुआ तो कार्बन अपने बॉन्ड में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, वंस अगेन
देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड और एच फ्री रेडिकल बच जाएगा. वंस अगेन इन द सिमिलर वे यू विल सी 3 डिग्री बना रहा है टोटल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. भाई एक CH3 की वजह से बने 3, इस CH3 की वजह से भी 3 और इस CH3 की वजह से भी 3. तो 3 डिग्री ने बनाए 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 डिग्री ने बनाए 6, 1 डिग्री ने 3 और मिथाइल ने बनाया 0. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कार्बो कैटायन का था. और एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो फ्री रेडिकल हैं उनमें भी अगर हम ट्रू रेजोनेंस को कंपेयर करें तो 9 पाई बॉन्ड है सबसे ज्यादा रेजोनेंस करेंगे. तो नेचुरली ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, डाइफिनाइल उससे कम और बेंजाइल फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होगा इन तीनों में. और इन सब का अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर विल बी एब्सोल्युटली इन द सेम वे एज वी हैव डिस्कस्ड इन कार्बो कैटायंस की स्टेबिलिटी जैसा ही ऑर्डर है. यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये CH3 ग्रुप आखिरकार यहां कर क्या है. अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बो कैटायन की बात करो या कार्बन फ्री रेडिकल की बात करो, ये CH3 सेंटर कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं. देखिए हमने एरो देते हुए दिखाया क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है. तो अगर आप CH3 ग्रुप का नेचर देखें तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इस सेंटर कार्बन को वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है. हमने जो एरोस बनाए आप देखें, इस CH3 में ये एरो ने यहां बनाया, इसका मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा और स्टेबलाइज हो जाएगा. राइट, दैट मीन अगर हम एल्काइल ग्रुप्स का नेचर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, सब नोट करिए ध्यान से. व्हाट इज द नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स? एल्काइल ग्रुप का नेचर है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. एल्काइल ग्रुप मतलब जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऑल आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उतना ज्यादा रेजोनेंस उसमें होगा. जैसे मैं यहां CH3 की जगह पर इथाइल लगा दूं तो आप देखेंगे अब ये वाला CH3 भी रेजोनेंस में जाने लग जाएगा. एक और CH3 लगा दूं तो ये भी रेजोनेंस में जाने लग जाएगा, यानी कि अब स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी. तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो अगर हम कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, कार्ब एनायन, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज. तो अगर मैं यहां एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दूं तो ये बन गया कार्ब एनायन. ओके, अगर आप कार्ब एनायन को देखें तो इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, सारे कार्बन के पास, इसके पास भी 8 है. काउंट करके देख लेते हैं, 2 इन दिस बॉन्ड, 2 इन दिस बॉन्ड, 2 इन दिस बॉन्ड, 6 और 1 लोन पेयर. भाई कार्ब एनायन कैसे बन रहा होगा? सपोज करो ये मैंने लिया CH3Cl,
CH3Cl में इस बॉन्ड को देखें जो कि पोलर बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन Cl का। अगर Cl का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाए, Cl अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दे, तो आप देखो लोन पेयर जनरेट हो गया बिकॉज ऑफ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl ऑन दिस कार्बन विल हैव नेगेटिव चार्ज, एज अ रिजल्ट कार्ब एनायन विल फॉर्म। नाउ वी वॉन्ट टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ दीज फोर कार्बेनायंस। आप देखेंगे सेंटर कार्बन पर ऑलरेडी आठ आठ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर कौन स्टेबल? तो फिर मिथाइल ज्यादा स्टेबल। क्यों भाई? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा CH3 का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, ये तीनों CH3 इस सेंटर कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब तीनों CH3 इस सेंटर कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेगा। सबसे ज्यादा रिपल्शन 3 डिग्री कार्ब एनायन में होगा, क्योंकि इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप होंगे, यहां 2 एल्काइल ग्रुप है इसलिए रिपल्शन कम होगा, यहां एक ही CH3 है इसलिए और रिपल्शन कम होगा, यहां एक भी CH3 नहीं है इसलिए मिथाइल मोस्ट स्टेबल होगा। मिथाइल विल बी मोस्ट स्टेबल। सो इफ आई ड्रॉ राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो मिथाइल सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि अगर पाई बॉन्ड वाले कार्ब एनायन आ जाए तो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा? तो हम देखेंगे, क्योंकि उसमें तो पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होता है, एज ए रिजल्ट जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसे हमने कार्बो कैटायन में देखा, हमने कार्ब एनायन में देखा, और सॉरी कार्बन फ्री रेडिकल्स में देखा, तो मिथाइल से ज्यादा स्टेबल होगा बेंजाइन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस बेंजाइल से ज्यादा डायफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन में होगा, और उससे ज्यादा रेजोनेंस ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन में होगा। सो दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायंस। In this way, we can check the stability of different intermediates. हमको ये बहुत help करेंगे जब हम reactions वगैरह करेंगे। इनकी practice जरूर करें, इनको बना के देखें, याद करने की कोशिश नहीं करें, समझने की कोशिश करें। Last में जरूर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए।